माँ के साथ रास्ता पार कर रहे 5 साल के बालक की बेकाबू वाहन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना MIDC के SRP गेट के सामने हुई। मृतक कृष्णा पवन यादव है। कृष्णा का पिता पवन यादव और माँ रानी मजदूरी करते हैं। उन्हें कृष्णा के अलावा 1.5 साल का बेटा है। 18 फरवरी की सुबह LPG सिलेंडर खाली होने से यादव दंपति उसे भरने के लिए SRP गेट 2 के पास आए थे। रुपये नहीं होने से रानी ATM की ओर जाने लगी। उसके साथ बेटा कृष्णा भी था। रास्ता पार करते वक्त एक चारपहिया वाहन चालक तेजी से गुजरा। उसने लापरवाही से वाहन चलाते हुए कृष्णा को चपेट में ले लिया। वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आरोपी यादव दंपति और कृष्णा को वाहन में बैठा कर वाना डोंगरी के शालिनी ताई मेघे अस्पताल में ले आया। उन्हें वहां छोड़ने के बाद फरार हो गया। शालिनी ताई मेघे अस्पताल में उन्हें उपचार का खर्च अधिक होने का बताया गया। गरीब मजदूर यादव दंपति ने पैसे के अभाव में बेटे को मेडिकल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान मंगलवार सुबह कृष्णा ने दम तोड़ दिया। MIDC पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर वाहन चालक की खोज आरम्भ कर दी है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।